गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। शुभकामनाओं के साथ आप और हम मिलकर करते हैं दिन की शुरुआत। सो गाइस, वही रूटीन, वही काम, हर रोज वही सुबह उठ के करना है, वही करते करते सोना है, वही दिन का रूटीन, वही दिन के काम सब होते हैं। तो देखती हूँ क्या करना है। 12वीं तो चली गई है स्कूल, आज हमें उठना पड़ा जल्दी। इतनी हमने बनाई है गोभी, रायता और चटनी। ये देखिए गाइस, सब्जी बन के हुई है तैयार और मैंने बनाया रायता बूंदी का, और ये बनाई मैंने फ्रेश चटनी। हो गया तैयार। पहले लगाती हूँ भगवान जी का भोग। तो मैंने भगवान जी के लिए पानी के हाथ की रोटी बनाई है। मेरे भोग लगाओ। ओम नमः शिवाय। भगवान जी का भोग तुम खा लो ना। आज तो मैंने सुबह खाना तैयार कर दिया, लंच भी सब कुछ, तो एक बार बना के मैं हो गई आज फ्री। नहीं तो सारा दिन लगे रहो किचन में सारा दिन। तो सुमित जी भी टिफिन लेके चले गए हैं, हमने भी नाश्ता कर लिया है, लेकिन मैंने आज चाय नहीं पी है क्योंकि आज सुबह मेरा मन बड़ा ख़राब सा हो रहा था, तो मेरा चाय पीने की इच्छा नहीं हुई है। लेकिन नाश्ता करने के बाद अब मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो मैं चाय बनाऊँगी। सो गाइज, वो कर रहा है अपने पापा से बात, तो मैं चलती हूँ, चाय खुद ही बनाऊँगी। इसने तो चाय बना के पिला दी। यानी ठंड हो ही रही है, मुझे लग ही रही है आज, मुझे बहुत ठंड सी कुछ ज़्यादा ही लग रही है आज। पता नहीं लगा कि सुन सा लग रहा है मुझे तो आज। ले गई? नहीं। क्यों? आज छुट्टियाँ पड़ रही हैं पेपर की। पेपर की हो गए ना तुम्हारे? पेपर हो गए, खत्म हो गए पेपर? अब मार्च 4 को रिजल्ट आता है। अच्छा, कौन से क्लास में बेटा? सेकंड। सो गाइस, मैं जा रही हूँ वर्क के लिए, तो बारी पढ़ेगी भी ट्यूशन, तो मैंने उसकी मैम को बोल दिया कि तब तक मैं आऊँगी, तब तक यहीं पर रहेंगी। सुमित जी कर रहे हैं मेरा इंतज़ार क्योंकि वो भी मेरे साथ जाएंगे, तो शाम को थोड़ा बहुत टाइम मैं निकाल देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत वर्क के लिए निकल जाऊँ। सो गाइज, हम वर्क कर रहे थे तो रास्ते में मंदिर पड़ा, हमने सोचा कि आज मंडे भी है, चलो शंकर भगवान जी जल चढ़ा देते हैं। सो गाइज, भगवान जी दर्शन भी हो गए और जल भी चढ़ा दिया। करते करते हम दोनों को लगने लगी प्यास, पानी तो नहीं है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि नारियल पानी पी लेते हैं। सब्जी भी अच्छी है इसके यहाँ पे। और हाँ भैया, वो देना अदरक, कैसे दिया अदरक भैया? ये टमाटर कितने रुपये किलो भैया? टमाटर अच्छा, सब्जी तो अच्छी ले रहा है, सब सारी सब्जी अच्छी है इसकी। इस सामने ही है विशाल मेगा मार्ट, तो मैं सोच रही हूँ कि अंदर जाके देखती हूँ इसमें क्या क्या है। तो गाइस, कपड़े वगैरह सब हैं यहाँ पे, बाकी मैं घूम के देखती हूँ। शॉपिंग, मेरे पार्लर के टॉवल वगैरह थोड़े से रफ हो रहे थे, तो मैंने सोचा मॉल में आई हूँ तो मैं ले लेती हूँ, तो मैंने पार्लर के लिए टॉवल वगैरह ख़रीदे हैं। यहाँ पे की पार्लर के लिए शॉपिंग थोड़ी सी, और अब हम निकलेंगे घर के लिए। बस निकल ही रहे हैं मॉल से, और बाहर चेकिंग हो रही है सामान की। निकले थे हम वॉक पे, तो हमने मॉल जाके काफ़ी शॉपिंग की, तो फिर हमने ऑटो लेके तब हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो वॉक करने के लिए आए थे क्योंकि सामान भी हो गया था, तो फिर काफ़ी दूर भी चले थे हम, तो सामान लेके इतनी दूर चला नहीं जाएगा, इसलिए हमने ऑटो कर लिया घर के लिए। पार्क में तो अंधेरा हो रहा है इस टाइम, देखो लाइट नहीं जलाते अंदर पार्क में, तो पति देवता से चुपचाप जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, जवाब भी नहीं दे रहे मेरी बातों का। कोई नहीं, मैं ही बोल लूँगी। सो गाइज, हम आ गए हैं घर पे, और मैं आपको दिखाती हूँ जो टॉवल वगैरह लेके आई हूँ, मॉल गई थी। तो बेटे आप ये बताओ, क्या खाओगी शाम को मेरा बच्चा? आज आपने आलू गोभी सब्जी नहीं खाई ना बेटा? माँ ने तो अच्छी बनाई थी बेटा। पता नहीं। फिर आप क्या आज आपने खाई ना मेरे बच्चे ने? आपने तो राइस खाए दोपहर को आके, है ना? मेरे बच्चे को लग रही थी भूख, तो मैंने बारबी को दिया पपीता, तो बारबी पपीता खाती है, तो वो नींबू मसाला वगैरह डाल के खाती है, प्लेन पपीता नहीं खाती। सो गाइस, अब डिनर का टाइम हो चुका है, तो खाना बनाएंगे। अब खाना क्या बनाएंगे? मसूर की दाल बनाएंगे। इस टाइम कोई चपाती खाता नहीं है, मुझे भी नहीं खानी है, सुमित जी भी नहीं खाएंगे, और बच्चों का भी पता नहीं है, बच्चे भी कुछ खा ही लेते हैं, खाएंगे तो दो चपाती बना दूँगी उनके लिए। तो अभी तो मैं मसूर दाल बनाऊँगी,
सो गाइस ये देखिए मसूर की दाल बन के हो गई है तैयार। बहुत यम्मी है दाल, बहुत टेस्टी। सो गाइस आज की दिनचर्या हो गई है समाप्त, अब हो गई है रात और कल करेंगे बात। जय श्री श्याम, जय श्री राम।